इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में फिलहाल चल रहे दूसरे टेस्ट मैच, लेकिन इस टेस्ट मैच के बीच में ही भारत का तीन खिलाड़ी सेना की घोषणा कर सी। इन तीनों खिलाड़ी में से 300 खिलाड़ी तो सबको फेवरेट खिलाड़ी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले थ्री वीडियो लाइक करियो और चैनल ने भी सब्सक्राइब करियो। जैसे कि सबने पता है, टीम इंडिया वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच 141 रन से आपका नाम कर लियो और दूसरे टेस्ट मैच में भी टीम इंडिया खतरनाक शुरुआत कर रखी है। दूसरा टेस्ट मैच विराट कोहली को 500 इंटरनेशनल मैच है और इस मैच में विराट कोहली अब तक 80 रन बना के क्रीज पर खेल रहे हैं और इस मैच में विराट कोहली अब तक 80 रन बना के क्रीज पर खेल रहे हैं और आज का दिन कोहली मैच में शतक मार की इस टेस्ट मैच ने और भी यादगार कर देसी। लेकिन कुछ खिलाड़ी अब स्नैच की घोषणा कर सी। पहले खिलाड़ी के बारे में बात करें तो ईशांत शर्मा टेस्ट से स्नैच की घोषणा कर सी। ईशांत शर्मा पिछले 2 साल से टीम इंडिया से बाहर है और टीम इंडिया के लिए ईशांत शर्मा आपको लास्ट मैच 2021 में खेले। 34 साल के ईशांत शर्मा की बात करें तो ईशांत शर्मा अब तक 105 टेस्ट मैच खेले और 105 टेस्ट मैच में ईशांत शर्मा के नाम 311 विकेट है। ईशांत शर्मा इस साल आईपीएल में भी चौखो प्रदर्शन दिखाए लेकिन फिर भी टेस्ट में मौको कुल मिलो और अब ईशांत शर्मा जल्द ही टेस्ट से स्नैच की घोषणा कर सके। ईशांत शर्मा के बाद में दूसरा खिलाड़ी रिद्धिमान शाह भी टेस्ट से स्नैच की घोषणा कर सी। रिद्धिमान शाह 2010 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ डेब्यू करो। रिद्धिमान शाह अब तक 40 टेस्ट मैच में 3 शतक मारे हैं लेकिन अब बहुत दिनों से टीम से बाहर हैं और ऋषभ पंत के चोट होने के बाद में भी रिद्धिमान शाह ने टीम में मौका कुन मिलो तो अब रिद्धिमान शाह टेस्ट से जल्दी संन्यास ले सी। शाह के बाद में अफवाह बात कर टीम इंडिया की दीवार के बारे में यानी पुजारा के बारे में। पुजारा पिछले कुछ टाइम से ही टीम से बाहर चल रहे हैं और पुजारा ने टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल में मौको दियो गयो लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पुजारा बिल्कुल भी चोखो प्रदर्शन कुल करो तो अब बीसीसीआई पुजारा ने टीम से बाहर कर दियो और वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में मौको कुन दियो और यो साफ संकेत है कि अब टीम में पुजारा के लिए कोई जगह कुनी। तो अब 35 साल को पुजारा संन्यास लेने की सोच ली है। पुजारा के लिए वापसी करना बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि अब टीम में यशस्वी जायसवाल और शुभम गिल जैसा खिलाड़ी मौजूद हैं और आजकल यूजर ने चैल को एक बयान वायरल हो रहे हैं तो वो वीडियो थाने ऊपर आई बटन में मिल जासी। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। अगर थाने वीडियो चोखा लगे हो तो वीडियो लाइक करियो और चैनल ने भी सब्सक्राइब जरूर करियो।